हेलो दोस्तों, टेक्निकल बादशाह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिश टीवी की जो छतरी लगी होती है अपने घर के छत के ऊपर, तो वो उसका रूट एक ही सिम की होता है। आप अगर देखना चाहो तो अपने घर के छत पे चढ़कर देख सकते हो। आपके अपार्टमेंट में, आपके एरिया में हर डिश टीवी की छतरी का जो रूट होता है एक ही सिम होता है, अलग अलग सिम नहीं होते हैं। वो क्यों दोस्तों, वही है इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, डिश टीवी जो है आपकी वो सैटेलाइट के ज़रिए चलती है, तो दोस्तों उसको पहले तो रूट एक ही सिम चाहिए। उसको आप ऊपर देख सकते हो, उसको एलिमीटर, जो सैटेलाइट एलिमीटर होता है उसके ज़रिए सेट करना पड़ता है, उसके ज़रिए ही चलती है। आप इधर उधर सेट करोगे तो आपका सिग्नल नहीं आएगा और जो आपकी पिक्चर क्वालिटी है वो नहीं मिलेगी आपको। आप अगर सिग्नल एक साइड आ रहा है और आप अपोजिट साइड लगाते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, नो सिग्नल देगा। इसलिए दोस्तों, उसको पहले तो उसको सैटेलाइट फाउंडर से चेक करते हैं, एक साइड एडजस्ट करते हैं और उसका एक ही साइड है दोस्तों, हर साइड एडजस्ट नहीं होता। आप आपके अपार्टमेंट में, आपके महल्ले में या आपके जो एरिया में रहते हैं उसकी छत पे चढ़ के आप देख लेना, सबका रूट एक ही साइड होता है, दूसरी साइड नहीं होता है। वो वजह यही है दोस्तों, ये सैटेलाइट से चलता है, उससे सिग्नल पूरा मिले और पिक्चर क्वालिटी अच्छी आए, इसलिए उसका रूट एक साइड होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक किए बगैर ना जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और अपना ख्याल रखें। ओके, जय हिंद।